के पुलिस हवलदार दिलीप बाजीराव निकम को आज मुकामी कोर्ट में 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसरान ने गिरफ्तार किया है। पुलिस हवलदार निकम का एंटी करप्शन के जरिए पकड़ा जाना आज शहर में चर्चा का बाइस रहा। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में रहने वाले एक 32 साल शख्स ने अपने दोस्त अल्ताफ नामी शख्स को 50,000 रुपये शादी के लिए कर्ज दिया था, मगर अल्ताफ नामी शख्स वो कर्ज वापस नहीं कर रहा था। जब फरियादी अल्ताफ के पास जाता तो वो उससे हुज्जत और तकरार करता। 2 रोज़ कब लो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में मकरूज अल्ताफ नामी शख्स पहुंचा और उसने फरियादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस बाबत पुलिस हवलदार दिलीप बाजीराव निकम ने फरियादी को पुलिस स्टेशन बुलाया और कहा कि इस मामले में तुम पर फरियाद दाखिल हो रही है, तुम्हारा कंप्रोमाइज़ करवा देता हूं और तुम्हारा पैसा भी निकाल कर दूंगा। ऐसा बोलकर 5,000 रुपये रिश्वत तलब की। फरियादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रابطہ कायम किया। आज मुकामी कोर्ट में जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के किसी सरकारी काम से दिलीप बाजीराव निकम कोर्ट में गया हुआ था, तब फरियादी वहां पहुंचा और उसने 2,000 रुपये की रिश्वत दिलीप बाजीराव निकम पुलिस हवलदार को दी। कोर्ट के आते में फौरन एंटी करप्शन के ऑफिसरान ने इन पर शिकंजा कसा और 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कलर्ड हैंड रंगे हाथों पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस हवलदार दिलीप बाजीराव निकम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस इंचार्ज नितिन पाटिल साहब की निगरानी में हुआ है, जबकि इस कार्रवाई में पुलिस नायक चौधरी अनिल गांगुड़े, पंकज पड़ीसीकर और विनोद पवार वगैरह एंटी करप्शन के ऑफिसरान शामिल थे। आज इस कार्रवाई के बाद मुलजिम को रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां इब्तदाई तफ्तीश के बाद वापस उसे किला छावनी पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। ये तमाम मालूमात एंटी करप्शन ब्यूरो ACB नासिक ब्रांच की जानिब से मौसूला प्रेस नोट में बताई गई। छावनी पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई जारी है। कल मुमकिन है कि मुलजिम निकम को मालेगांव की कोर्ट में सुबह पेश किया जाए। देखते हैं इन पर किस तरह की दफात लगती है और क्या कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि निकम नामी ये शख्स इससे पहले भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और आज़ाद नगर में वापस ये ट्रैफिक पुलिस में गया, ट्रैफिक पुलिस के बाद ये आज़ाद नगर गया और गुज़िश्ता कई बरसों से मालेगांव शहर के ही मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में ये रहा करता था। इससे पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे गिरफ्तार किया था। दोबारा निकम की गिरफ्तारी हुई है। अब देखते हैं कि इस पर कानूनी तरीके से क्या कार्रवाई होती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रेस नोट में दर्ज किया गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर आपसे रिश्वत तलब करता है तो टोल फ्री नंबर एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर रابطہ कायम करें, रिश्वत ना दे ना ले।